सरदार वल्लभ पटेल इंटरनेशनल स्कूल में जो छात्रावास बना हुआ है, छात्रावास के अंदर एक शिक्षक रहते थे। वो शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अवैध शराब के व्यापार में लिप्त थे और उन्होंने वहाँ पर शराब रख रखी थी। इसकी सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई और उनके कब्जे से 21 पेटी शराब जब्त की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह जितेंद्र मकवाना निवासी नवलपुरा एवं प्रदीप केवट निवासी नवलपुरा के साथ मिलकर ये काम करते हैं। प्रदीप केवट द्वारा शिफ्ट मारुति कार से शराब लाकर दी गई थी और शराब को प्रदीप ही ले जाकर के जितेंद्र के माध्यम से बेचता है। इस आधार पर आरोपी सागर पिता पोपट राव निवासी महाराष्ट्र हाल मुकाम सरदार पटेल छात्रावास मंडलेश्वर को गिरफ्तार किया गया। उसी की निशानदेही पर प्रदीप पिता मुकेश केवट निवासी नवलपुरा को गिरफ्तार किया गया एवं प्रदीप के कब्जे से जिस वाहन द्वारा मदिरा लाई गई थी उस स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई में प्रदीप द्वारा बतलाया गया कि वह शराब अखिलेश जायसवाल निवासी डेढ़गांव से मंगवाता है और यहां पर जितेंद्र के साथ मिलकर बेचता है। उक्त कार्रवाई में करीब 21 पेटी देसी शराब जब्त की गई व वाहन जब्त किया गया। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।